बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार तुद आ गए अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ ना जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ ना जाने मेरा। सर्व सुखां दे दाते सतगुरु चवर शतर तख दे मालक जुगो जुग अटल बाणी दे बोहित अते ब्रह्म ज्ञान दे सागर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुभायमान पावन गुरबाणी दा कीर्तन सरवण करदे आं। परम पिता वाहिगुरु जी दे प्यार विच जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की बख्श सदका रात्रि दे दीवान च गुरु हजूरी विच बैठण दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु के कीर्तनियां पासों आप जी ने बड़े ही प्यार नाल गुरबाणी कीर्तन दा आनंद माणे है। धन गुरु नानक साहब जी का जदों असी जीवन इतिहास पढ़ते हाँ साखीकार लिखते हैं कि जिस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी पहली ही उदासी ते तुरे ने सब तो पहला इमनाबाद पहुँचे ने जिन्हों सैदपुर भी कहा जाता सी भाई लालो जी दे घर गए ने। भाई लालो जी एक किरती व्यक्ति सन तरखाण का कम करते सन लकड़ी का कम करते सन दस्तकारी का कम करते सन और अपनी किरत बड़ी ईमानदारी नाल करते सन धर्मी आदमी सन। उस वेले जो समाज में छूत छात जात पात का असर सी उस वंड अनुसार उन्होंने को बहुता माण नहीं सी समाज ने दिता इवें कह लो कि नीवें वर्ग में गिणिया जाता सी। गुरु नानक साहब जी का मकसद एक आदर्शक समाज की घाटत कढ़ना सी आदर्शक समाज के लिए आदर्शक व्यक्ति होने चाहिए ने। पहला व्यक्तियों की घाटत होंदी है बंदियों की घाटत होंदी फिर समाज की घाटत होंदी है। भ्रिष्ट लोग कभी आदर्शक समाज की सिरजना नहीं कर सकते। गुरु नानक साहब जी का मकसद सी आदर्शक लोगों नू लभना उन्हां दी घाड़त कढ़नी ते एक वधिया समाज बनाउणा। सतगुरु जी नू सिद्धा ने पुछिया सी बाबा नानक तुसी सानू तां कहिंदे हो कि घर ना छड्डो घरां च रहो पर तुसी क्यों घर छड्ड दित्ता। सिद्धा ने जो सवाल किया गुरबाणी चंकत के किस कारण गृहता जी उदासी किस कारण ये भेख निवासी किस वखर के तुम वन जा रहे क्यों कर साथ लंघावो पारे। नानक जी तुसी क्यों घर छड्ड दित्ता ये उदासियां वाला भेख क्यों धारण किया। तो सतगुरु नानक साहब जी ने कहा सी गुरमुख खोजत पए उदासी असी गुरमुखां दी भाल विच निकले हाँ। वो गुरमुखां दी भाल करदे हाँ सतगुरु गुरु नानक साहब जी सब तो पहला भाई लालो जी दे घर विच गए उन्होंने मान दिता। साखीकार लिखते जिस वेले सतगुरु जी गए ने भाई लालो जी अपने लकड़ी का कम कर रहे सन किले घड़ रहे सन जो कुछ भी सन लकड़ी की घाड़त घड़ रहे सन। सतगुरु जी ने आवाज मार के क्या लालो की कर दें कहिंदा जी किले घड़ दें। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे सारी जिंदगी यही कम करी जाएगा। लालो दे हाथ रुक गए तो सतगुरु जी नूं कहण लगा महाराज जो काम मेरे बजुर्गों ने सिखाया है जो मेरे बजुर्ग करते रहे उही करांगा होर की करांगा यही मेरी किरत है रोजी है रोटी है।
होर की करांगा मैं। सतगुरु जी कहिंदे कदी मन वी घड़न बारे सोचे है तू? किले ही घड़दा रहेगा, लकड़ी दे काम ही करदा रहेगा, कदी मन नू घड़न बारे सोचे है तू? गुरु के ये बचन सुन के गंभीर हो गया भाई लालो। महाराज ये काम तो अपने बुजुर्गों को मैं सीखिया, वह कर रहे हैं, अब मन घड़न वाली जिहड़ी गल है तुसी सिखा दिओ किवें घड़िया जाएगा। गुरु नानक साहब जी महाराज ने उसनू उपदेश दिता, ज्ञान दिता। गुरु नानक साहब जी महाराज ने जो उस ते बख्शिश की किरत ते उहदी पहला ही बड़ी पवित्र सी, सच्चा सुचा ही इंसान सी। सतगुरु जी की रहमत सदका वह आत्मक तौर पर भी जाग पिया, वह सिखी का महान प्रचारक बन गया, वह एक गुरमुख बन गया। जिन्हां गुरमुखां दी भाल विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी निकले सन, गुरु साहब जी का मुख मकसद दरअसल मनुखता की घाड़त करना सी, समाज की घाड़त करना सी। होर दुनिया के काम किए जा सकते ने, पर समाज नू बनाउना बड़ा औखा है, समाज नू सवारना बड़ा औखा है। गुरु नानक साहब जी जिस वेले इस जगत विच प्रगट होए, उस वेले दा समाज इन्ना निगर चुका सी। गुरबाणी च भी उदाहरणा ने, इतिहास विच भी वह गाथावां भरियां पईयां ने कि समाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर किसी भी पक्ष तो जदों असीं नज़र मारदे हाँ, हर पासे तो ताना बाना विगड़िया होया सी। सतगुरु जी की पवित्र बाणी कहिंदी है, अजिहे समय ते किते कोई आस की किरण नज़र नहीं सी आउंदी, कोई रस्ता नज़र नहीं सी आउंदा। गुरु नानक साहब जी के पावन बचन अंकित ने कि कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ रहा। वो जिहड़े कलयुगी सुभाव वाले जिहड़े राजे ने वो कसाई बन चुके सन। कसाई किसे ते तरस नहीं करता, वो अपने स्वार्थ लई, अपने स्वाद लई जीवन नू घात करी चलिया जांदा। अजिहे राजनीतिक लोग जिहड़े वो कसाई बन जांदे ने, जदों किसी मनुखता का दर्द नहीं देखते, वो किसी की चीख पुकार नहीं सुनते, जदों लुकाई कीड़िया वांगू रुलनी शुरू हो जाती है, मरनी शुरू हो जाती है, अजिहे हाकम कसाइयां दा रूप धारण कर जाते हैं। और ये कसाई को उदों ही नहीं सन, अज भी बड़े ने साडे आले दुआले। जिहड़े गरीबां दीआं चीख पुकारां नहीं सुनते, सगुणों एक मकसद है कि उन्हां दीआं राजगद्दियां कायम रहनियां चाहीदियां ने, उन्हां दीआं तजौरियां भरदियां रहनियां चाहीदियां ने। सतगुरु नानक साहब जी ने कहा सी कल काती राजे का साई। काती कहिंदे ने सुरी नूं, इह कलयुगी सुभाअ जिहड़ा है ना इन्हां राजिआं दा, इह तां इन्हां दे हत्थ छुरी है ते इह राजे कसाई बन गए, धर्म पंख कर उड़ रहे आ। इह ते सी राजनीतिक लोकां दे हालात, पर सतगुरु जी कहिंदे धार्मिक लोग जां धर्म स्थानां ते जदों असीं नज़र मारदे उत्थों वी धर्म जिहड़ा सी खंभ ला के उड़ गया। धर्म ना दी चीज़ ही कोई नहीं है, धर्म दे नां ते कर्म कांड ने, दिखावा है, अडंबर है, होर भेख पखंड बहुत है, पर धर्म नहीं है। धर्म दा अर्थ कोई बाहरी भेख तो नहीं है, धर्म दा अर्थ कोई केवल वड्डे वड्डे जोड़ मेले करन तो नहीं है, धर्म दा अर्थ कोई दान पुन करन तो नहीं है। वो तो उदों भी बहुत हुंदा सी, उदों भी जोड़ मेलियां ते बहुत दुनिया लखां दी तदाद उदों कट्ठी हुंदी सी। बाबा जी हरिद्वार गए उत्थे बड़ा कट्ठ सी, मक्के गए उत्थे बड़ा तगड़ा कट्ठ सी। ये कुछ तो उदों भी बहुत सी, हुण भी बहुत है। पर धर्म दा अर्थ है दया, प्यार, धीरज, समाजिक एकता, समाजिक बराबरता, जो इंसानियत दा धर्म है, जो एक मनुख दे अंदर मनुख दे गुण होने चाहीदे ने। वह मनुख दे अंदरों खंभ ला के उड़ गया, धर्म खत्म हो गया, केवल धर्म दे नाते पखंड रह गया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे ना ही कह चढ़िया। सतगुरु जी कहिंदे कूड़ दी मसिया ही पसरी पई सारे पासे, काली रात पसरी पई है, सच दा चंद्रमा अलोप हो गया, धर्म अलोप हो गया, किते नज़र ही नहीं आउंदा, सच भालिया लभदा नहीं है। हूँ भाल विकुन्नी होई, अंधेरे राह ना कोई। सतगुरु नानक साहब जी कहिंदे राजनीतिक तौर पर, समाजिक तां आर्थिक तौर पर इन्ना हनेरा पसरिया होया है कि हनेरे विच रस्ता कोई नहीं लभदा मनुखता नूं, कोई किनारा नहीं लभदा कि दुखां तों पार उतारा किवें होए, लुकाई दा उधार किवें होए। अजिहे समय अंदर गुरु नानक साहब जी महाराज गुरमुखां दी भाल च निकले,
भाई लालो जी ने जिहड़ी एक गल कही है वह गल समुची मनुखता दे लई है कि आप कभी अपना मन घड़न वाले पास भी लग जाइए, कम असी बहुत करते हैं। गुरबाणी कहती आहर सब करदा फिरे आहर एक न होए, नानक जित आहर जग उधर है विरला बूझ है कोई। बहुत कम असी करते हैं, कोई बिजनेस करता उन्होंने पुछो कहते जी बहुत कम है, दौड़ भज बड़ी करते हैं असी। कोई दुकानदार है वह भी कहता सारा दिन दुकान पर बैठते बड़ी किरत करते हैं। कोई हाल वाहन वाला है, कोई होर किरत करने वाला है, बहुत कम हो रहा है। ये नहीं है कि कम नहीं हो रहा, लेकिन जिस काम लिए असी आए हैं वो काम वल ध्यान मनुखता का नहीं है। उस काम वल ध्यान सतगुरु जी ने दवाया सी, लालो सारी जिंदगी लकड़ियां ही घटता रहेगा, किले ही घटता रहेगा, कभी मन में घड़न वाले बन्ने भी लगे हैं। वो मन में घड़न की गल गुरु नानक साहब जी ने कही, मन में किवें घड़िया जा सकता है, मन में किवें सवारिया जा सकता है। असी देखते हैं जिस बन्ने भी असी मेहनत करनी शुरू कर देवांगे उस बन्ने सानू कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई डॉक्टर बनना चाहता है मैडिकल लाइन च पै के जो वह मेहनत करता है, जतन करता है, मेहनत करद्या करद्या एक दिन वह डॉक्टर बन जाता है। कोई इंजीनियरिंग लाइन के तुरदा है पढ़द्या पढ़द्या एक दिन वह कामयाब इंजीनियर बन जाता है। कोई बिजनेस में पैंदा है, बिजनेस करद्या एक दिन वह तगड़ा व्यापारी बन जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है। बिल्कुल इस तरह अपने मन की घाटत की गल है, जो असी मन को खोजन लग पाएंगे, सवारन लग पाएंगे, सोचेंगे कि साड़ी जिंदगी मन में भी सवारन की लोड़ है। साड़ी जिंदगी कोई दुख नहीं है, दुखों का कारण साडा विगड़िया होया मन का सुभाव है। जो साडा मन सवर जाएगा उदो दुनिया भी सवर जाएगी। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहा कि असी मन में सवारना है। भाई गुरदास जी ने एक गल की बड़ी प्यारी, मनुख जिंदगी अंदर चाहता है कि मैनू सुख मिले, मैं पर आनंद लिवलीन हो जावा। मनुख सिर्फ चाहता है पर कम नहीं करना चाहता, इधर तुरना नहीं चाहता। चाह लैना एक गल वक्री है पर उस चाह नू प्राप्त करने लई जतन करना एक जरूरी गल है। भाई गुरदास जी ने गल कही है कि केवल बाहरों भेख किते हैं, केवल बाहरों लिबास किते हैं, जां कर्मकांड किते हैं, असी कोई जिंदगी अंदर परम सुख नहीं माण सकांगे, उच्चे नहीं उड़ सकांगे, महान आनंद नहीं प्राप्त कर सकांगे। उहदे लई ते सानू तुरना पएगा, जतन करना पएगा। भाई गुरदास जी दे बड़े प्यारे बचन ने, कहिंदे कि पूछत पथक तेह मार्ग ना धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन स्यों जाइए। बंदा रस्ता पुछ लैंदा है पर वह रस्ते ते तुरदा ही नहीं, कदम पुटदा ही नहीं है। जे वह कदम नहीं पुटदा तो गली बाती कोई वह मंजिल ते नहीं पहुँच जाएगा। परमात्मा तक पहुँचना है तो वह दिल कदम पुटने पैणगे। पुछना चंगी गल है, जरूरी है, पर पुछ के वह तुरना पएगा। पुछत है वैद खाद औखद न संजम सी, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाई है। डॉक्टर को जाने वैद को जाने अपना रोग दसते हैं, डॉक्टर वैद सानू कोई दवाई दिता है, दवाई के नाल सानू कोई परहेज भी दसद, कुछ संजम भी दसद कि यह चीज़ा नहीं खानिया। असी पुछ लिया, दवाई लै भी ले लिया कि घर च रख भी ली, पर उन्होंने असी परहेज नाल खाते ही नहीं है। साडा रोग किवें मिटेगा, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाई है। भाई साहब जी ने एक होर गल, पुछत सुहागन है कर्म दुहागन के। उवें आपां गल्लां सुहागणा वालियां करदे कि सुहागण किवें बनिया जांदा, पर कम साडे दुहागणा वाले ने, कम सुहागणा वाले ने। अखीर ते भाई साहब जी कहिंदे गाए सुने आखे मीचे पाईए ना परम पद, गुर उपदेश गै जौलो ना कमाईए। केवल गाया सुनिया जां अखां मीटियां जां बाहरले कर्म कीतियां मनुख परम पदवी नूं नहीं प्राप्त हो सकता, जिन्ना चिर वह गुरु के उपदेश नूं कमाउंदा नहीं है। मन नूं घड़न दे लई, मन नूं सवारन दे लई जिंदगी दे अंदर कुछ करना पएगा, जतन करना पएगा। संसार च जिन्ना चिर असी हैं सानू वाहिगुरु जी ने एक बड़ी वड्डी दात दित्ती है किरत करन दे लई, कम करन दे लई। किरत उपजीविका लई जरूरी है, उपजीविका लई जिथे किरत जरूरी है उत्थे अपनी जिंदगी की घाटत घड़न दे लई भी कोई किरत करनी पएगी, जिंदगी नूं सवारन दे लई। शरीरक तौर ते असी तंदुरुस्त रहना है उहदे लई असी मेहनत करदे हाँ, जतन करदे, कोई जिम जांदा, कोई एक्सरसाइज करदा, कोई सैर करदा, कोई होर अपने शरीर का खाण पीण का ध्यान रखदा है, तो जिहड़ा इन्नी मेहनत करदा यकीन तंदुरुस्त हो ही जांदा। जे असी शरीरक तौर पर तंदुरुस्त रहने लई जतन करदे हाँ
मानसिक तौर पर आत्मक तौर पर तंदुरुस्त होने के लिए भी सानू जतन करना पैदा। और गुरु बाबा जी ने गुरबाणी सानू यही उपदेश दिता कि असी मन में किवें करना है, मन में किवें सवारना। बाबा फरीद साहब जी का एक बड़ा प्यारा बचन है, कहिंदे परमात्मा ने एक दिन मैनू संबोधन किया कि आप सवारे मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहें सब जग तेरा होए। वो भलिया अपने आप को सवार ले, अपने मन की घाड़त कर ले। जो तू अपने आप को सवार लेगा उदो तू मैनू मिल पेगा, जिन्हों मिल पेगा सारी दुनिया तेरी बन जाएगी, तेनू सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। गुरु को आने का अर्थ अपने आप को सवारन तो है, गुरु को आने का अर्थ अपने मन की घाड़त करन तो है, अपने मन को प्रबोधन तो है, जागरूक करन तो है। स्कूले बच्चा जाता है वो एजुकेट होने लिए जाता है, पढ़न दे लिए जाता है। असी गुरु के दर पर आने जां सतसंगत विच आने जां धर्म ग्रंथ पढ़ते हाँ, इहदा मकसद है कि असी अपने मन को सवारना है, अपने मन की घाड़त करनी है। सुख का संबंध तुहाडी मन की अवस्था नाल है, सुख का संबंध बाहरले स्टेटस नाल नहीं है। बाहर किसी को बहुत पदार्थ है, किसी को थोड़ा है, हर कोई जिंदगी जीव ही जा रहे हैं। लेकिन जे असी जिंदगी का परम आनंद मानना है तो सतगुरु जी कहिंदे उहदे लई ते मन की घाड़त करनी पएगी, उहदे लई ते कोई ना कोई यतन करना पएगा। सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज ने जिथे भाई लालो जी ने यह गल कही, वह सारी जिंदगी किले घटता रहेगा कि मन को घड़न वाले पासे भी लगेगा। सानू भी यही कहते हैं कि मन को घड़न वाले पासे कदों लगोगे, मन को सवारना, मन को काबू करना इस बने कदों लगोगे। सारिया परेशानियां मन करके ने, जदों मन को असी खोज लाँगे, फकड़ लवेंगे, उदों साडी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। श्री गुरु नानक साहब जी की बड़ी प्यारी बाणी श्री जपजी साहब, हर गुरसिख अमृत वेले रोज़ पढ़ता है तो पढ़न की हदायत है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किन्ने प्यारे बचन एक बड़ा सुंदर अलंकार वरत के सानू समझाया है, जत पहारा धीर सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, भाओ खला अगंत बताओ, भांडा पाओ अमृत टाल, घड़ी है शब्द सची टकसाल, जिन कौ नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। गुरबाणी का यह निचोड़ है श्री जपजी साहब जी की पवित्र बाणी का। जपजी साहब जी की पवित्र बाणी आरंभ इतों की कि केव सचियारा हुई है। ये मुख सवाल है कि असी जिंदगी सचियार किवें बन सकते, सच दे धारणी किवें बन सकते, सच विच लिवलीन किवें हो सकते हैं, साडी जिंदगी चो कूड़ किवें दूर हो सकता है। आपां देखदे हाँ वड्डा सारा पत्थर हुंदा है, आम लोगों के लिए वह पत्थर ही है, लेकिन एक त्रासन वाला जिहड़ा हुंदा है जिहनूं आपां कहिंदे पत्थरकाड़ा मूर्ति बनाउण वाला, वह अपनी एक सैनी दे नाल हथौड़ी दे नाल उस पत्थर नूं त्राशदा ते उस पत्थर दे विचों इक बड़ी सोहणी आलीशान मूर्ति कढ लैंदा, वाधू पत्थर नूं हटा दिंदा। मूर्ति पत्थर दे अंदर ही है, बाहरों नहीं पाई हुई, मूर्ति पत्थर दे विच सी, पर उह त्राशण वाले ने उस मूर्ति नूं पत्थर दे विचों कढ के लोकां दे सामने ले आंदा है। इह उहदी कलाकारी है, उन्हें घड़िया है। इसमें गुरबाणी कहती परमात्मा तुहाडे अंदर है, परमात्मा किते बाहर नहीं है, पर सिर्फ अपने आप को त्राशन की लोड़ है, अपनी जिंदगी घाड़त करने की लोड़ है। उहदे लिए गुरु को आवांगे, गुरु ने सानू बड़ा सुंदर उपदेश दिता है। उदाहरण यह दिती है जिवें सोने का कम करने वाला सुनियारा जिहड़ा है वह अपनी दुकान पर बैठता है, दुकान पर उन्हें गहने करन दे लई सोने का कम करन दे लई औजार रखे होंदे ने, एक छोटी जी अहरन रखी होंगी, लोहे का पीस रखिया होंगे, उहदे को हथौड़ी होंगी है, उहदे को पट्ठी होंगी है, पट्ठी च अग बालदा उहदे विच उह सोने नूं कुठाली च रखदा है, उहनूं ढालदा है, उहदे तो कई तरह के गहने गां तैयार कर लैंदा है। सतगुरु जी कहिंदे सानूं वी कोई इहो जी जुगत वरतनी पैणी जे अपने मन नूं घड़ना है, तां जे अपनी जिंदगी दे आचार विहार नूं बनाउणा है, जे सचियार बनना है। ते सतगुरु जी ने बड़े सोहणे लफ्ज़ वरते ने, सतगुरु जी कहिंदे ने कि जिंदगी अंदर जत पहारा, साहब जी कहिंदे कि अपनी जिंदगी अंदर जत दा अर्थ हुंदा है अपने आप ते कंट्रोल करना, जिहनूं आपां संयम कह सकते, परहेज कह सकते हैं। हर मनुख कहिंदा कि मेरी जिंदगी है, जीवन की आजादी है, जो मर्जी खाइए, जो मर्जी पीए, जो मर्जी करिए। रब की एक बड़ी वड्डी वडियाई है कि रब ने मनुख नूं जिंदगी दे के ते सुतंत्र छड़ दिता है, रब ने अपने अधीन नहीं रखिया मनुख नूं। अखां दित्तियां जो मर्जी देखो, कन्न दित्ते जो मर्जी सुनो, रसना दित्ती जो मर्जी बोलो, जो मर्जी खाओ, तुसी पैर दित्ते जिधर मर्जी तुसी जाओ, पर एक गल जरूर है कि जो मर्जी करो पर जो करोगे उहदा रिजल्ट तुहानू भोगना पैणा। इस करके सतगुरु जी ने
सानू जिंदगी दे अंदर क्या कि जे तुसी सच्यार बनना है ना फिर जिंदगी दे अंदर तुहानू जिंदगी दे निजम सीखने पैणगे। आजादी जिन्हों कहने ना आजादी, आजादी दे भी कुछ निजम होंदे ने। आजादी दा दर अर्थ आप हुदरापण नहीं है। आपां देखदे हां आजाद मुल्कां च बैठे ने सारे लोग, अपने मुल्क नूं भी वैसे आजाद ही गिणिया जांदा है, वह किन्नियां कुल ही आजाद, यह गल वक्री है। लेकिन भावें अपना मुल्क है भावें कोई मुल्क है, उहदे कुछ निजम ते हैगे ना। सड़क ते चलण दी आजादी है तुहानू, पर सड़क ते चलण दे कुछ निजम ने। इस मुल्क च रहण दी आजादी है पर मुल्क च रहण दे कुछ निजम ने। जिंदगी तुहाडी है, जीवण दी आजादी है पर जिंदगी दे कुछ निजम ने। जे उह निजमां नूं तुसीं पहचाणिया ना ते जिंदगी दुखां दा इक घर बन जाएगी। जंगल ते बाग विच की फर्क हुंदा है? जंगल विच भी फल बूटे हुंदे ने, फुल भी हुंदे ने, बाग विच भी हुंदे ने। उही फल बूटे तुहानूं जंगल च भी मिल जाणगे, बाग विच भी मिल जाणगे। पर जंगल विच सिर्फ फर्क इह हुंदा है जंगल ते बाग विच कि बाग दे विच हर चीज़ जिहड़ी उह तरतीब विच हुंदी है। जंग बाग विच भी कंडेदार झाड़ियां हुंदियां ने पर उह आसे पासे लाइयां हुंदियां ने जो बाग दी रखिया करदियां ने। बाग विच फुल्लां वाले बूटे वक्रे हुंदे ने, फलां वाले, छां वाले, किते घाह लाया हुंदा, किते तुरन लई थां हुंदी है, चलण लई थां हुंदी है। लेकिन जंगल विच इह कुछ नहीं हुंदा। जंगल विच सब कुछ बेतरतीबा हुंदा। जंगल हमेशा डरौना लगदा मनुख नूं, बाग हमेशा वधिया लगदा। सतगुरु जी कहिंदे जत पहाड़ा तीर सुनियार। अपनी जिंदगी अंदर जत धारण करो। जत दा अर्थ हुंदा है संयम, अपने आप ते कंट्रोल करना, अपनी जीभ ते कंट्रोल करना, अपने कन्ना ते कंट्रोल करना, अपनी अखां ते कंट्रोल करना, अपने इंद्रियां ते कंट्रोल करना। बोलण दी आजादी है। देखो ना ट्रेन भी चलती है भावें जिन्नी मर्जी चले पर ब्रेकां की बड़ी लोड़ है उहनूं। जे ब्रेकां नहीं होणगियां तो फिर भी कम खराब हो जाएगा। बोलना है पर की बोलना, किदां बोलना, यह संयम सीखना पएगा। सुनना है पर की सुनना, की नहीं सुनना, यह संयम सीखना पएगा, परहेज सीखना पएगा। इस तरीके नाल खाना है पर की नहीं खाना, ये तो जिंदगी संयम सानू होना चाहिए। जत दा अर्थ है जिंदगी दे अंदर अपने इंद्रियां ते कंट्रोल करना। सतगुरु जी कहिंदे जिवें एक सुनियारा सोने दा कम करन वाला अपनी दुकान ते बैठदा है ना, इवें कह लो कि आ जिहड़ा जत है ना ये साडी जिंदगी दी इक दुकान है। जिन्ना तुसीं जिंदगी च संयम वरतोगे, बोलण दा संयम, सुणन दा संयम, अखां तों देखण दा संयम, कुछ भी करन दा संयम, उहने तुसीं सुखी हुंदे चले जाओगे। जे साडी जिंदगी अंदर कंट्रोल ही कोई ना, बोलण ते कंट्रोल ना, खाण ते कंट्रोल ना, सौण ते कंट्रोल, किसे चीज़ दा कंट्रोल ही नहीं है, फिर जिंदगी जंगल वर्गी बन जाएगी, होर ते कुछ नहीं है। साहिब कहिंदे जत पहाड़ा, जत दा अर्थ है संयम। ये जिहड़ा जत है ना इहनूं तुसीं अपनी जिंदगी दी इक पहाड़ा दुकान समझ लो, ते सुनियारा बैठ के घाड़त कड़दा है। धीरज सुनियार, सुनियारा कौन है जिन्हें घाड़त किन्ने करनी, वह है धीरज दी, सबर दी। भावें किसी ने दुकान करनी है, भावें किसी ने व्यापार करना है, भावें जिंदगी च कोई काम करना है, हर काम दे विच धीरज बड़ा जरूरी है, सबर बड़ा जरूरी है। बाबा फरीद साहब जी ने गल की सबर एहो सुआओ, जे तू बंदा दिड़ कर है वध थीवें दरियाओ, टुट न थीवें वाहड़ा। बंदिया जे किते तेरी जिंदगी अंदर सबर आ जाए, धीरज आ जाए, तू ते दरिया बन सकदा है, तू महान बन सकदा है, दरिया तो बाद समुंदर बन सकदा है। पर जे सबर नहीं होवेगा ना, तू ते दरिया तो भी घट के एक वाहड़ा बन जाएगा, नाला बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। सतगुरु जी कहिंदे धीरज सुनियार, जिंदगी दे अंदर धीरज बड़ा जरूरी है, सबर बड़ा जरूरी है, सहज बड़ा जरूरी है। पहली गल सतगुरु जी ने कि जत पहारा, ये जत जो संयम है ये पहारा है, एक दुकान है जिथे बैठ के असी जिंदगी की घाड़त करनी, जिंदगी च जत होना चाहिए। धीरज सुनियार, तुहाडे अंदर धीरज होना चाहिए। धीरज तो बिना जिंदगी जिहड़ी है ये सुखी नहीं हो सकती। अहरण मत वेद हथियार, अगली गल जिहड़ी सुनियारा वरतदा है उहदे कोल अहरण एक लोहे का पीस हुंदा है जिहदे उपर रख के सोने नूं उह हथौड़ी दे नाल कुटदा है जां उहदे नाल गहिणियां नूं कटदा है। अहरण मत, मत दा अर्थ है साडी जिहड़ी अकल है, मत है। अहरण मत वेद हथियार, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे जे जिंदगी दी घाड़त कढ़ना चाहुंदे हो ते तुहाडी मत जिहड़ी अहरण वर्गी होनी चाहीदी। अहरण, देखो अहरण दे उपर हथौड़ी दियां सट्टां लगदियां पर अहरण अडोल है, अहर डावांडोल नहीं हुंदी। जे डावांडोल हो जाए अहरण ही नहीं गिणी जांदी।
हो सकता है हथौड़ियां जिहड़ियां उहदे ते मारदे आ जां जिस चीज़ ते मारदे उह टुट जाए, हथौड़ियां टुट सकदियां ने पर ऐरन नहीं कदी टुटदी। अपनी मत नूं ऐरन वर्गे बना लो, ऐरन वर्गे अडोल। जिंदगी दे विच चलदे आ बड़े उतराह चढ़ाव ने, इह जिंदगी कोई जरनैली सड़क नहीं है कि अखां मीट के असीं भज्जे ही जावांगे। जिंदगी दे विच उतराह आउणे ने, चढ़ाव आउणे ने, रुकावटां आउणियां ने। साडी जिंदगी च कई तरह दीआं लहरां आउणियां ने। ये जिंदगी नूं ते समुद्र नाल भी तुलना दी गई है। समुद्र जिवें तूफान आउंदे ने, लहरां आउंदियां ने, घुम्मण घेरियां आउंदियां ने, आउणियां ने जिंदगी दे अंदर। यह जिंदगी दा इक हिस्सा ने और यह जो उतराह चढ़ाव आउंदे ने यह साडी जिंदगी दी घाट कटदे ने। यह साडी जिंदगी विच सानूं उच्चियां उठाउंदे ने, मजबूत करदे ने। जिवें किसी विद्यार्थी की जिंदगी च इम्तिहान आउंदे ने, वह इम्तिहान उहनूं उच्चियां चुकण दे लई ने, महान करन दे लई ने। इस तरह साडी जिंदगी च जिहड़े उतराह चढ़ाव आउंदे ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਹਿਰਣ ਮਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਰਣ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਤਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਹਿਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ, ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਐਰਨ ਨੂੰ ਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਥੌੜਾ 'ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਐਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ, ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ। ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਉ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਭਉ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਉ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਭਉ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਭਉ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭਉ ਤਿੰਨਾ ਨਾਹੇ, ਭਉ ਭਉ ਮੁੱਚ ਨਿਭਵਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਧੌਂਕਣੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਧੌਂਕਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਧੌਂਕਣੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਉ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਉ ਖੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ, ਉੱਦਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਪਤਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਤਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਘਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਘਾੜਤ ਕੱਢਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਟਾਲ। ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਉ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਕਾਰਥ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਨੁਕਤੇ
इस पवित्र पौड़ी अंदर दर्शाए ने कि असी जिंदगी की घाड़त किवें करनी है। जिंदगी च जत होना चाहिए, संयम कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ पर, जिंदगी अंदर धीरज होना चाहिए जिन्हों आप सबर कहने सहज धीरज होना चाहिए, और इत्थे बस नहीं साड़ी अडोल मत होनी चाहिए है, साड़े कोल गुरु का ज्ञान होना चाहिए, साड़े अंदर परमात्मा का अदो होना चाहिए, साड़े अंदर घालना करन दा जज्बा होना चाहिए, मेहनत करन दा जज्बा होना चाहिए, फिर साड़े अंदर परमात्मा का प्यार होना चाहिए। पांडा पाओ अमृत ते टटाल, ते सतगुरु जी कहिंदे इहदे विच पाउणा की है नाम अमृत, फिर की होएगा जदों हिरदे च प्यार होया नाम अमृत पाया घालना कीती तुसीं। सतगुरु जी कहिंदे घड़ी है शब्द सची टकसाल, टकसाल वो थां हुंदा जिथे घाड़त घड़ी जाती है रुपईयां दी सिक्कियां दी। इसे तरीके नाल सतगुरु जी कहिंदे आ जिहड़ी सची एक टकसाल है जिथे तुसीं जिंदगी दी घाड़त घड़नी है। शब्द दा अर्थ विद्वानां ने आचार भी कहा, प्रिंसीपल तेजा सिंह जी कहिंदे ने शब्द अर्थ आचार है कि जिंदगी अंदर जे तुसीं सच्यार बनना है, सच्यारां वाला आचार प्राप्त करना है, फिर जिंदगी अंदर तुहानूं इह जतन करने पैणगे। जिहड़ी गल सतगुरु जी ने कही कि कदी मन नूं घड़न वाले पासे भी लग जाओ, केवल दुनिया के कम्मां च ही लगे रहोगे सारी जिंदगी, कुछ मन नूं भी टाइम दिया करो। देखो मेहनत करनी बड़ी जरूरी है, किरत करनी बड़ी जरूरी है, पर हर मनुख नूं दिन विच कुछ चिर अपने मन नूं भी देना चाहिए, मन नूं सवारन दी गल करनी चाहिए है। सतगुरु जी की बाणी कहिंदी बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माही, भाई अपने मन की पड़चोल करिया कर, रोज अपने मन का ध्यान रखिया कर, शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, शरीर की तंदुरुस्ती का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखांगे तो शरीर रोगी हो जाएगा। अपनी किरत का ध्यान रखना चाहिए, किरत करनी चाहिए, कम कर का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखांगे तो असी आर्थिक तौर पर पछड़ जावांगे। अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, अपने मुल्क का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सब तो पहला अपने मन का ध्यान रखना चाहिए, अपने मन नूं असी किवें सवारना है। देखो ना जे असी घर दा ध्यान नहीं रखांगे ते घर दे विच ते आपां देखदे आ कीड़ियां आके वसणियां शुरू हो जांदियां ने, पंछी आलणे पाउणे शुरू करदे, और जाला जिहड़ियां मकड़ियां जाला पा लैंदियां ने, कई तरह के किरमाउणे शुरू हो जांदे जदों असी घर दा ध्यान नहीं रखदे। जदों असी मन दा ध्यान नहीं रखदे कि मन नूं वी असी सवारना है, मन दी वी घाड़त करनी है, शरीरक तौर पर जिस बन्ने तुसी शरीर नूं सवारदे जाओगे, देखो खिडारी ने मेहनत करते ने, कोई हाकी दे विच मेहनत करदा करदा चंगा प्लेयर बन जांदा है, कोई क्रिकेट का बन जांदा है, कोई बास्केटबाल का, कोई वालीबाल का बन जांदा है, मेहनत करते ने बच्चे, कोई डाक्टर मेहनत करदा डाक्टर बन जांदा है, कोई इंजीनियर बन जांदा है, घाड़त घड़ी हुई उन्होंने अपनी जिंदगी की। इस तरीके जे असी सच्यार बनना है जिंदगी दे अंदर कि असी सच विच लवलीन हो जाइए, असी उस रब्बी रहमत दे पात्र बन जाइए, तो सतगुरु जी कहिंदे सानू अपने मन का ध्यान भी करना पएगा। मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत, मन दे नाल गलबात करनी चाहिए। बाबा कबीर साहब जी ने एक गल कही है, मम्मा मन स्यो काज है मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन सो कहे कबीरा मन सा मिलिया ना कोई। कहिंदे मन नाल भी सानू कम है, जिवें शरीर का ध्यान रखते हो खाण पीण का, इवें मन का भी ध्यान रखिया करो। मन की घाड़त घड़ना आनी आप, जिदा दी घाड़त घड़ लोगे उदा दे तुसी जिंदगी विच बन जाओगे। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे भाई जिथे दुनिया के कम सवारदे हो उत्थे अपने मन नूं घड़न वाले पासे भी लगो। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी सानूं साडी जिंदगी का आचार घड़न की ही प्रेरणा दिंदी है। जपजी साहब जी भी जिथे सतगुरु जी ने सोहना अलंकार वरत्या है ना, एक सुनियारे की उदाहरण दे के किवें वह गहने घड़ता है, किवें वह सोने का कम करता है, किवें असी अपनी जिंदगी दे अंदर गहना बनाउणा है अपनी जिंदगी नूं। देखो सोना हुंदा है, सोने नूं किदां इकट्ठा करदे ने, बड़ी सोहनी गल श्री गुरु प्रताप सूज ग्रंथ विच लिखी है। जिस वेले सतगुरु गुरु नानक साहब जी सुल्तानपुर विच सन, बाबा नानक जी ने एक नारा बुलंद किया कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, तो उस वेले धार्मिक लोगों ने बड़ा इतराज जताया, खास करके काजियां ने, कहिंदे जी मुसलमान नहीं मुसलमान होणगे, हिंदू नहीं हिंदू होणगे, पर मुसलमान तो है ही नहीं मुसलमान, ये तो साडी तुहीन कर रहे, बुलाओ नानक नूं। नानक साहब जी नूं बुलाया गया, दौलत खां कहण लगा नानक जी इन्हां दी तसली कराओ तुसीं जिहड़ा रौला पा रहे ने,
काजी मलाने कहिंदे जे कोई मुसलमान हिंदू इन्हां दीआं नज़रां च बराबर साडे नाल नमाज पढ़े मसीत विच जाके मसाक नमाज पढ़ने लई सतगुरु जी चल पे घटना तुसीं जाणदे हो। सतगुरु जी उन्हां वल देख के हसदे रहे, नमाज दे सजदे विच जुड़े ने। उन्हां ने जिवें किवें नमाज दी गल पूरी कीती ते झट सतगुरु जी दे नाल अग बबूले हो गए। जे नमाज पढ़नी नहीं सी ते सानूं मखौल करन लई आए सी। सतगुरु जी हस के कहण लगे तुसीं वी नहीं पढ़ी मैं वी नहीं पढ़ी की फर्क है। नवाब कहण लगा मैं पढ़ी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे तू नहीं पढ़ी, तू तो काबल कंधार च ही फिर रहा सी। काजी खिंच गया ये नहीं सन ते मैं तो हैगा ही समय धार्मिक बंदा। सतगुरु जी कहिंदे तेवा भी मन गहरा हाजिरी सी। उस वेले दौलत खां ने एक सवाल किया सतगुरु सच्चे पातशाह जी ते, मन बड़ा चंचल है, मन नूं किवें काबू किया जा सकता है, ये मन नूं सवारिया किवें जा सकता है। सतगुरु जी ने एक बड़ी सोहनी उदाहरण दिती। रेत है ना, रेत कहिंदे जिहड़ा सोना है वह रेत विच ही हुंदा है, मिट्टी च ही हुंदा है सोना। कोई सोने के पहाड़ नहीं हुंदे ना लोहे दे, वह मिट्टी इहो जी हुंदी है। वह जिहड़ा सोने नूं इकट्ठा करन वाला ना मिट्टी दे विचों छाण के जां मिट्टी दे विचों किस तरीके नाल उहदे विचों सोने नूं कढ लैंदा है, रेत दे विचों सोने नूं कढ लैंदा है। उहनूं जदों कढदा है कढ के उहदी इक डली बन जांदी है। वह डली बनती है तो डली नूं फिर लिया के जिस वेले सुनियारा जिहड़ा है ढालदा है अपनी कुठाली विच गलदा है, उदों बाद उहनूं फिर घाड़त करके उहदे गहने बन जांदे ने। गहणियां दे विच कोई सुच्चा नग जड़ दित्ता जाए तो फिर कीमत की है, कित्थे रेत विच सी उह, रेत च नहीं कीमत सी। फिर उहदी इक डली बन गई, कीमत वध गई। फिर डली तो फिर उहदा इक गहना बन गया, उहदी होर कीमत वध गई। गहने में जदों कोई नग जड़ दिता कोई रतन जड़ दिता फिर तो उहदी कीमत कहणी की है। सतगुरु जी कहिंदे मन साडा सोने वर्गा है, पर इह साडा मन जिहड़ा ना इस संसार दे रेत दे धंदियां च खिल रहा होया, दुनिया के धंदियां दी रेत विच इह खिल रहा होया। इस नूं आपां गुरु के शब्द राहीं एकत्र करना है। गुरु के शब्द राहीं मन नूं एकागर करन दा तरीका यह है, मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी ए मन होड़ीए। मन नूं टिकाउण दा इको एक तरीका है, गुरु का शब्द है। ज्यो मंदर कहो थम है थमन, त्यों गुरु का शब्द मन है अस्थमन। जिवें कोई थम किसी मकान का आसरा है, मन नूं टिकाउण लई गुरु का शब्द आसरा है। जदों असीं गुरु के शब्द राहीं मन नूं एकाग्र कर लवांगे फिर आपां गुरु के शब्द चों जब ज्ञान मिलदा, एकाग्र मन की वैल्यू वध गई, फिर गुरु के शब्द तों जिहड़ा ज्ञान मिलदा उपदेश मिलदा, उधर इहदी घाड़त घड़नी है। जिवें सुनियारा गहने की घाड़त घड़दा, जदों आपां उहदी घाड़त घड़ांगे गुरु के ज्ञान राहीं चलांगे, जो गुरु सानूं उपदेश दिंदा है कि आपां जीवना किवें है, रहना किवें, जिंदगी च किरत किवें करनी है। गुरु की बाणी अंदर साडी जिंदगी की घाड़त घड़न लई बेअंत बचन ने कि आपां की करना है। फिर गुरु के ज्ञान राहीं घड़े हुए मन दे विच गुरु पासों दिता होया नाम दा नग लैके जड़ देना, नाम दा नग, फिर तो इहदी कीमत कहणी की है। सतगुरु जी कहिंदे कि मन की घाड़त गुरु के ज्ञान राहीं घड़ी जानी है। घड़िए शब्द सची टकसाल, जिन को नदर करम तिनकार, नानक नदरी नद निहार। जिन्हां ते बख्शिश हुंदी है वह अपने मन की घाड़त घड़न वाले पासे लग जांदे ने। कोई दुनियावी तौर पर जिस बन्ने मेहनत करेगा वह कामयाब हो जाएगा, भावें डाक्टर है, इंजीनियर है, खिडारी है, कोई व्यापारी है, जिहड़ा मेहनत करदा वह कामयाबी नूं प्राप्त कर लैंदा। जिहड़ा अपने मन की घाड़त घड़न वाले बन्ने लगेगा वह जिंदगी च गुरु प्रभु की कृपा का पात्र बन जाएगा। जिथे सतगुरु नानक साहब जी ने यह गल केवल भाई लालो जी नूं नहीं कही के लालो सारी जिंदगी किले ही घटदा रहेगा, मन नूं घड़न वाले पासे भी लग, आपां भी अपने मन नूं घड़न वाले पासे लगीए। बाबा नानक जी हर मनुख की घाड़त घड़न लई आए सन, वह एक आदर्शक समाज की सिरजना की गल करन लई आए सन। वह ड्यूटी सतगुरु जी साडी लगा गए ने और गुरु साहब जी ने सानूं वह दात दित्ती गुरबाणी के रूप में, जिथे गुरबाणी राहीं असीं अपनी जिंदगी की घाड़त घड़नी है उत्थे एक आदर्शक समाज की घाड़त घड़नी है। इस धरती ते लोड़ है इहो जिहे इंसानां दी जिहड़े समाज विच्चों बुराइयां नूं दूर करन दे लई यतन करन। समाज विच्चों बुराइयां नूं दूर करना ही धर्म है, कोई मत्था टेकना चिट्टे कपड़े पाउणा कोई धर्म नहीं है। धर्म है कबुद्ध करन ते लोक हटाए, लोकां नूं माड़े कम्मां तों वरजणा, कुरीतियां तों वरजणा। आओ गुरु नानक साहिब जी महाराज दा पावन ज्योति जो समावन का दिहाड़ा भी आ रहा है, आपां उस गुरु नानक साहब जी तो सीध लैंदे होए आं
अपने मन की घाड़त वाले बनने लगी। हर रोज अमृत वेले उठ के गुरु की बाणी नाल अपने मन नूं घड़िया करिए, सतसंगत विच आके अपने मन नूं सवारिया करिए, गुरु की बाणी की रोशनी च आपां जीवन दा यतन करिए। जदों मन की घाड़त घड़ी गई अपने आप ही जिंदगी सुखी हो जाएगी, वाहिगुरु जी की कृपा के पात्र बन जावांगे। नानक नदरी नदर निहाल, इन्हीं बेनतियां प्रवान करनिया जी। भुल चुक दी खिमा प्यार सहित बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।